हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरीगोल्ड और सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिर से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है, हम सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करके लिखते हैं और सेंटेंस को बनाते वक्त, वाक्य को लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हमारा फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। आज मैं आपको पार्ट टू सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के होते हैं टू पार्ट्स, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, है ना। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, जो हमें सेंटेंस के बारे में, मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या मतलब करने कार्य को करने वाला या जो भी है वो क्या है, करता है, वो हमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, इट मीन्स करता होता है इसका मीनिंग, ठीक है। और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट की डिटेल देता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब डिटेल हमें प्रेडिकेट देता है, तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट है। ये टू पार्ट होती है सेंटेंस के। आज हम सेंटेंस के बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जो क्या है, थ्री इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, कंप्लीट थॉट्स एंड आइडियाज। कि जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कि हमें कंप्लीट थॉट और आइडिया भी बनाया जाता है, आइडिया देता है, हमें एक्सप्रेस करता है। जो सेंटेंस होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, कि कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज एक्सप्रेस करता है। इसीलिए हमें सेंटेंस को जो लिखना होता है वो क्या अरेंज करके लिखा होता है, जैसे बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई, दिस इज ए ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, बट हाउ कैन वी गेट द आंसर इन फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या हमें सही मीनिंग दे रहे हैं, क्या हम इनसे आंसर कुछ प्राप्त कर रहे हैं। बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई, व्हाट इज द मीनिंग, नो, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है भी सही अरेंज नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। हम इनको कैसे लिखेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, नाउ वी गेट अ राइट आंसर फ्रॉम दिस सेंटेंस, हु इज द फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स, दैट इज सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, कि जो बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, आसमान में फ्लाई कर रहे हैं, स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, और स्काई में जो फ्लाई कर रहे हैं वो कौन है, बर्ड्स, अभी हमारा मेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड है वो क्या पढ़ेंगे, जो सेकंड जो मेन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, जो वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। ओके, फर्स्ट होती है मेन वर्ब, फर्स्ट क्या होती है, मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वर्ड्स को, एक्शंस को जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। सेम इज जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लाई हो गया, है ना, गो हो गया, कम हो गया, डांस, प्ले, एक्सेट्रा, ये सारी क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। और जो सेकेंड होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डिटेल देती है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, जिसके बारे में हमें जो सब्जेक्ट होती है उसके स्टेट के बारे में पता चलता है, उसकी अवस्था के बारे में पता चलता है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो सारा हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। तो जो वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है, जिसको डिटेल में हम तब करेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड होता है, थर्ड जो मेन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है, जो मेन इम्पोर्टेंट फीचर है, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बोल करता है, ये हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में, सब्जेक्ट की जो अवस्था है, जो स्थिति है, कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सारी जो डिटेल है वो हमें ऑब्जेक्ट से मिलती है, ठीक है, वो हमें किससे मिलती है, ऑब्जेक्ट से मिलती है। जैसे देखिए जो बर्ड्स है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो जो बर्ड्स है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, जो बर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ये फ्लाई करना क्या हो गया, हमारी
वर्ब हो गई। और ये जो फ्राई कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, इन द स्काई में, ठीक है। तो इन द स्काई में कौन फ्राई कर रहे हैं, बर्ड्स कर रहे हैं, है ना, या बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति हमें बता रहे हैं वो कौन बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट हमें किसको कहेंगे, जो वर्ब से स्टार्ट होकर जो पूरा सेंटेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, जो वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब हम कुछ इसके एग्जांपल करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, माय फादर इज ए ऑनेस्ट मैन। अब इसमें देखिए बच्चों कि जो माय फादर है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जो ये इज है वो हमारी क्या है, क्या है, वर्ब है या वर्ब है, हाँ, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक ऑनेस्ट मैन, कि जो हमारे फादर है वो क्या है, ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। सेकेंड इज सी इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसमें दो वर्ब है, सी तो क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट है, जो इज है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताती है, ठीक है। जो गोइंग है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, जो हम रेगुलरली अपने वर्ब्स में यूज करते हैं। और जो टू स्कूल है वो क्या हो गया हमारा, स्कूल जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जो स्कूल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो स्कूल है वो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। स्कूल कौन जा रहा है, सी वह जा रही है, वह क्या कर रही है, स्कूल जा रही है। तो ये सारी जो स्थिति हमें बता रहे हैं वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये वर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। अब इसी में हम प्रेडिकेट को देखते हैं। तो जो सी क्या हो जाएगी, सेंटेंस का पूरा जो सेंटेंस में पूरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन है, सी है। कर्ता कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो डूअर बन जाएगा वो कौन है, सी है। और सी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, ठीक है। तो जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से लेके मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वहां से लेके पूरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग sings a song. You watch the TV. They ये देखिए, ये हमारे पास फोर सेंटेंस है ना। हम मैंने इन सारे सेंटेंसेस को इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके लिखा हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, कैपिटल लेटर का है,
जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है कैपिटल में लिखा है मैंने, और ये जो हमारा सेंटेंस है एंडिंग में क्या है हमारा फुल स्टॉप मार्क है। देखिए आप है ना, एंड में क्या है फुल स्टॉप मार्क है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला जो सेंटेंस है राधा है, उसमें आर जो हमारा है वो क्या है फर्स्ट लेटर कैपिटल है। थर्ड में यू है, वाई क्या है हमारा कैपिटल है, और फोर्थ में की हमारा कैपिटल है। तो जब हम सेंटेंसेस को राइट करते हैं, अरेंज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अरेंजिंग करके लिखते हैं, तो इनका हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज सारे जो वर्ड्स है, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या हमारे अरेंज करके लिखे हुए, तभी ये सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड इज कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं वो टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मैंने कहा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। और जो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। इन तीनों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये क्या है ही, ठीक है। ही क्या है हमारा इसमें सब्जेक्ट है, जो हमें इसमें ही इज प्लेइंग फुटबॉल, जब हम बोलेंगे इसको प्लेइंग फुटबॉल हु इज प्लेइंग फुटबॉल, व्हाट वी गेट आंसर ही, तो हमें क्या आंसर मिलता है ही, वह खेल रहे हैं। तो जब जिस सेंटेंस से हमें किसी के करने का कार्य के करने का जो आंसर मिलता है कि कौन कार्य कर रहा है उसको, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है सब्जेक्ट, यानी कि डूअर कहलाता है, जो करता होता है, ठीक है इस सेंटेंस का। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब हम इसको वर्ब को समझेंगे, ही इज फुटबॉल, वो फुटबॉल का क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना है ना, खेल रहा है, ठीक है। तो वो फुटबॉल खेल रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या क्रिया कर रहा है, खेल रहा है। तो जो खेल रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, इज और प्ले दो वर्ब दी हुई है, तो जो इज है वो हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, जो इज है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जो प्लेइंग है वो हमारी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, जो हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना सेंटेंस हो गया ही इज प्लेइंग, अब वो क्या प्लेइंग कर रहा है, वो फुटबॉल प्लेइंग कर रहा है, वो क्या चीज खेल रहा है, किस चीज के साथ वो प्ले कर रहा है, फुटबॉल के साथ कर रहा है। तो जो फुटबॉल हमारा जो मेन है वो क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो हमें वर्ब की और उसके सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था और स्थिति बताता है। एंड सेकेंड है राधा, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए इधर, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंग्स ए सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है, राधा गा रही है। तो राधा इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, व्हाट वी गेट आंसर फ्रॉम दिस सेंटेंस राधा, तो राधा क्या हो जाएगी सब्जेक्ट, ओके। अब इसमें देखिए सिंग्स ए सॉन्ग, ओनली वन वर्ब दी हुई है, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, नो दिस इज मेन वर्ब, ये हमारी कौन सी वर्ब है मेन वर्ब है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा क्या कर रही है, राधा सॉन्ग गा रही है। तो गाना जो गा रही है वो क्रिया कर रही है, वो हमारी मेन वर्ब है। अब राधा क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही है, क्या गा रही है सॉन्ग गा रही है, तो ये सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब थर्ड देखिए, थर्ड में भी मैंने जो वाई लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। अब यू वॉच द टीवी, अब देखिए इधर, वॉच द टीवी है ना, वॉच द टीवी, ये हमारा क्या है, वॉच द टीवी क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस है क्या, नो, क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। बट कभी कभी सेंटेंस क्या होता है कि कभी कभी हमें किस सेंटेंस से हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, देन वी इम्प्लाइड द सेंटेंस यू, सॉरी इम्प्लाइड द सब्जेक्ट यू, तो हमें क्या इम्प्लाइड करते हैं हम, यू हमें सब्जेक्ट में मिलता है, यू वॉच द टीवी, ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो यू सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है टीवी, टीवी को वो क्या कर रहा है देख रहा है, तो जो देख रहा है वो हमारी क्या है वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है मेन वर्ब है, कौन सी है मेन वर्ब है। अब यू वॉच, क्या यू वॉच, व्हाट द यू वॉच द टीवी, तो जो द टीवी है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या देख। एंड नेक्स्ट, दे गो टू मार्केट, दे वे कहाँ जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मार्केट कौन जा रहा है वे, यानी कि दे, ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। वे मार्केट क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो ये हमारी क्या हो जाएगी वर्ब, और ये कौन सी वर्ब है मेन वर्ब, ओके स्टूडेंट।